तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है प्रतीक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑटो शेल्टर की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जीप ने जो है अपने मेरिडियन को इंडिया में रिवील कर दिया है और इस गाड़ी को जल्द ही इंडिया में लॉन्च भी किया जाने वाला है। ये जो गाड़ी है जीप की तरफ से आने वाली 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी होने वाली है और ये जो गाड़ी है ये फॉर्च्यूनर, ग्लस्टर और एल्टुरास G4 जैसी गाड़ियों को तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन देने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं इसी जीप मेरिडियन के बारे में कि इसमें हमको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और ये गाड़ी अपने सेगमेंट में कितना कॉम्पिटिशन कर पाती है। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जीप जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया एसयूवीज बनाती है और ये जो एसयूवी है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। इसको आज ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है और इसकी जो प्राइसिंग है हमको मई 2022 तक पता चल जाएगी। तो शुरुआत कर लेते हैं जीप मेरिडियन के डायमेंशन से। तो जीप मेरिडियन में हमको 4769 mm की लेंथ मिल जाती है। हाइट की बात करें तो 1682 mm की हमको इसमें हाइट मिल जाती है। विड्थ की बात की जाए तो इस गाड़ी में हमको 1859 mm की विड्थ मिल जाती है और व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस हमको 2794 mm का इसमें मिल जाता है। दोस्तों, जीप मेरिडियन के डायमेंशंस को देखा जाए तो इसके डायमेंशन जो है वो हमको फॉर्चुनर से सिमिलर नज़र आते हैं, लेकिन व्हील बेस जो है वो हमको फॉर्चुनर से थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। तो स्पेस जो है इसमें हमको बहुत ज़्यादा डिसेंट मिलने वाली है तीनों रो में और जो लेगरूम वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा हमको इसमें डिसेंट मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मेरिडियन के इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो इस गाड़ी में हमको एक ही इंजन ऑप्शन मिलने वाला है जो कि हमको जीप कंपस में भी देखने को मिलता है, 2.0 लीटर का डीजल इंजन जो कि हमको 170 bhp की मैक्सिमम पावर और 350 nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके देगा। और ये इंजन ऑप्शन जो है हमको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल होने वाला है। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जीप का ऐसा कहना है कि मेरिडियन जो है वो अपनी सेगमेंट की सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग रैपर होने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी जो है 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 10.8 सेकंड में ही तय कर लेती है, जो कि सेगमेंट में सबसे कम है। तो दोस्तों, जीप के एसयूवीज में हमको पावर और ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इस गाड़ी में हमको 4x4 का ऑप्शन मिलने वाला है और इस गाड़ी में हमको सैंड, मड, स्नो और ऑटो ऐसे 4 मोड्स मिलने वाले हैं ड्राइविंग के लिए, जो कि हमको इलेक्ट्रॉनिकली 4x4 सिस्टम को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो भाई, इस गाड़ी में ऑफरोडिंग जो है बहुत ज़्यादा डिसेंट होने वाली है। ऑफरोडिंग के मामले में गाड़ी जो है बहुत ही बढ़िया अपने सेगमेंट के हिसाब से होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में। तो ये गाड़ी जो है हमको थोड़ी बहुत जीप कंपस से सिमिलर देखने को मिलती है फ्रंट प्रोफाइल में। इसमें हमको जीप की टिपिकल ग्रिल देखने को मिलती है, 7 स्लैग ग्रिल्स को हम कह सकते हैं। इसमें हमको सामने की तरफ LED DRS और बाय फंक्शन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं और जो फॉग लैम्प्स है वो भी हमको यहाँ पर LED में ही ऑफर किए जाने वाले हैं। गाड़ी को जो है बहुत ही बढ़िया सा लुक दिया गया है और बहुत ही मिनिमल सा लुक जो है वो दिया गया है। साइड में हमको जो है वो ब्लैक कलर में बड़े बड़े व्हील आर्चेस मिल जाते हैं और इसमें हमको 18 इंचेस के बड़े से अलॉय व्हील्स भी ऑफर किए जाने वाले हैं, जिनका पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट और यूनिक सा रखा गया है। दोस्तों, रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में हमको LED में टेल लैम्प्स मिलने वाले हैं, शार्क फिन एंटीना मिलने वाला है और इसमें हमको जो है वो पावर टेलगेट मिलने वाला है, जैसे कि हमको MG के हेक्टर में देखने को मिलता है और बड़ा सा हमको इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिलने वाला है। दोस्तों, मेरिडियन के इंटीरियर के बारे में बात करें तो इंटीरियर हमको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और मिनिमल से ऑफर किया गया है और इसमें हमको ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलने वाला है। डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो बहुत ज़्यादा हमको सिमिलर देखने को मिलता है जीप कंपस से। ब्राउन कलर्ड हमको इसमें लेदर की सीट्स देखने को मिलती है और डैशबोर्ड का जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, मेरिडियन में हमको जो वो 10.25 इंचेस का बड़ा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और इन्फोटमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें हमको 10.01 इंचेस की बड़ी सी इन्फोटमेंट सिस्टम भी ऑफर की गई है, जो कि हमको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है। इन फीचर्स के सिवा हमको इस गाड़ी में जो है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी विद एलेक्सा बिल्ट इन, जैसे कि हमको XUV700 भी देखने को मिला था, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा और 9 HD सराउंड साउंड सिस्टम मिलने वाली है हमको एल्पाइन कंपनी की, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट और बढ़िया सा साउंड जो है हमको प्रोवाइड कराने वाली है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेरिडियन के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, जीप का ऐसा कहना है कि इस गाड़ी में हमको 60+ बढ़िया बढ़िया सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि हमको इसमें 6 एयरबैग्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ABS विथ ABD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऐसे बढ़िया से हाइलाइटेड फीचर हमको इसमें मिलने वाले हैं। और ये जो गाड़ी है इसमें हमको हर एक वेरिएंट में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलने ही वाले हैं। तो ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया काम जो है वो जीप मेरिडियन में किया गया है। दोस्तों, बात करें मेरिडियन के एक्सपेक्टेड प्राइजेस के बारे में, तो ये गाड़ी जो है फॉर्चुनर और एल्टुरास G4 के सेगमेंट में लॉन्च होने वाली है। तो इसकी प्राइस रेंज जो है वो 35 लाख रुपीज़ से लेकर 40 लाख रुपीज़ तक हो सकती है। ये एस्टिमेटेड प्राइजेस है, प्राइस जो है हमको जीप मई 2022 में बताने वाली है।
तो दोस्तों ये था हमारे जीप मेरिडेंट का एक डेडिकेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।